और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे जारी करने जा रहा है। परिणाम घोषित किए जाएंगे। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ये सारी डिटेल्स होंगी। बहुत बड़ी खुशखबरी, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अब से कुछ ही घंटों बाद आने वाला है। कई दिनों से संशय बना हुआ था कि यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा, आखिर कब आएगा, वो तारीख क्या होगी। तारीख का और समय का ऐलान कर दिया गया है। और यहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन रिजल्ट 2024 20 अप्रैल यानी कि आज दोपहर 2 बजे जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को अपने यूपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट कब आएगा इसकी पूरी जानकारी अपडेट हो गई है और रिजल्ट चेक करने का पूरा तरीका बता दिया गया है। डायरेक्ट लिंक के माध्यम से कैसे आप अपने परिणामों की स्वयं जांच करेंगे और इसकी क्या आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने आई है, यहां पर आपको पता चलने वाला है। क्योंकि लंबे समय का इंतजार एक बार विद्यार्थियों का समाप्त हो गया है, अब यहां पर पता होगा कि आधिकारिक वेबसाइट कौन कौन सी एक्टिवेट हो रही है और यूपी बोर्ड 10th 12th टॉपर लिस्ट के बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in और NIC की वेबसाइट upresults.nic.in पर देखा जा सकता है। बोर्ड की ओर से यह जानकारी दी गई है। नतीजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किए जाएंगे और नतीजे जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के नियमों के अनुसार छात्रों को पास होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। इसका मतलब है कि हर विषय में 100 में से कम 33 अंक प्राप्त करना होगा। अब बात करेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट कौन सी वेबसाइट पर चेक करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी बोर्ड रिजल्ट घोषित होते ही वेबसाइट पर लिंक सक्रिय हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी बोर्ड रिजल्ट घोषित होते ही वेबसाइट पर लिंक सक्रिय हो जाएगा। जो वेबसाइट है upmsp.edu.in, दूसरी वेबसाइट है upmsprezults.up.nic.in और तीसरी वेबसाइट है upresults.nic.in। ये तीनों वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डायरेक्ट जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इन आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और उसके बाद से होम पेज पर आप जिस कक्षा 10वीं या 12वीं है उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब आपको अपना रोल नंबर डालकर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।